रांची में आई फ्लू की समस्या से सबसे ज्यादा बच्चे पीड़ित हो रहे हैं। स्कूल में एक बच्चे से ये संक्रमण कई बच्चों तक पहुंच रहा है। ऐसे में स्कूलों की ओर से सख्त निर्देश जारी किया जा रहा है कि अगर आपके बच्चे की आंख में जलन या लालिमा है तो स्कूल उन्हें नहीं भेजे। इधर रिम्स और सदर अस्पताल सहित निजी नेत्र चिकित्सालयों में कंजक्टिवाइटिस से पीड़ित मरीजों की संख्या अचानक बढ़ गई। सोमवार को रिम्स के नेत्र विभाग के ओपीडी में 7 बच्चों का इलाज किया गया। कई बच्चे स्कूल ड्रेस में ही परामर्श लेने पहुंच गए। सदर अस्पताल के नेत्र चिकित्सक डॉक्टर वात्सल्य ने बताया कि कंजक्टिवाइटिस वायरल समस्या है जो तेजी से एक से दूसरे में फैलता है। बच्चे स्कूल में एक साथ ज्यादा समय गुजारते हैं, वहीं पेन, पेंसिल और टिफिन बॉक्स का उपयोग एक दूसरे के साथ मिलकर करते हैं। यही वजह है कि बच्चे तेजी से संक्रमित हो जाते हैं। ऐसे में ज्यादा घबराने वाली बात नहीं है, क्योंकि 3 से 4 दिन में ये बीमारी ठीक हो जाती है। कुछ में ये 1 सप्ताह तक रहती है, लेकिन सावधानी और सतर्कता जरूरी है। वहीं अगर बीमारी के लक्षण की बात करें तो आंख का सफेद हिस्सा इसमें लाल हो जाता है, आंखों में जलन या खुजली जैसी समस्या होती है और आंखों से पानी या आंसू आता है। प्रभात खबर.com, विश्वास वही रफ्तार नहीं।